एशिया स्थित फिलीपींस पारिवारिक रिश्ते निभाने के लिए जाना जाता है। उनके लिए परिवार हमेशा पहले आते हैं, भले ऐसा करने में उनको अपना जीवन खतरे में क्यों ना डालना पड़े, वे उसके लिए भी तैयार रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, फिलीपींस गरीबी में जी रहा है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग गरीबी की मार झेलते हैं। हालांकि ये शहर बाकी शहरों से धीरे धीरे विकास कर चुका है, मगर इसके बाद भी कुछ लोग जीवन यापन करने के लिए छोटा मोटा काम करके परिवार को चला रहे हैं। कई परिवार इतने नहीं कमा पाते कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। उन्हीं में से एक है ये कपल, जो पैसे ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, बल्कि अपने साथ काम पर ले जाते हैं। इनके बच्चों की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। फेसबुक यूजर शायद जोए मेंडेलेज ने इन्हें पहली बार देखा जब वो एक महिला से फल खरीदने ठेले के पास गई थी। शायद जोए देखकर हैरान रह गई कि उनके दोनों बच्चे ठेले के अंदर सो रहे हैं। जोए ने परिवार की मदद के लिए उनसे ग्रिल मकई के 5 टुकड़े और 3 किलो रेमब्यूटन्स खरीदे। फोटो वायरल होने के बाद कई लोग परिवार की तारीफ करते नजर आए, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो आलोचना करने से बाज नहीं आए। उनका कहना था कि गर्मी में बच्चों को ठेले पर रखना सही नहीं है। फिर भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने जोए को जिंदगी जीने के लिए मदद करने की बात कहते नजर आए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गरीबी में 2 पैसा कमा रहा है दपंती, ठेले पर सोकर बीती है बच्चों की जिंदगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।